Hello everyone. In today's session, we will discuss about prelims test series of GS score. जैसा कि आप सबको पता है कि prelims exam एक बहुत ही important exam होता है, जिसमें selection आपका ये decide करता है कि आप आगे आने वाले rounds में qualify होंगे या आगे आने वाले rounds में perform करेंगे या नहीं. ज़्यादातर लोग इस exam के बारे में ये सोचते हैं कि ये सबसे आसान exam है, जो कि एक myth है. ये आसान एग्जाम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सिलेबस इतना वास्ट होता है. हालांकि सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का सिलेबस शायद कुछ पंक्तियों में ही सिमट जाता है, लेकिन अगर हम उसको ब्रॉडली एनालाइज करें तो हम ये पाएंगे कि इट इज कवरिंग अ मेजर चंक ऑफ यूपीएससी सिलेबस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एडवाइज टू फॉलो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज मेन्स एग्जाम. ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसके बारे में ये प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. करंट अफेयर्स का पोर्शन ज़्यादा आएगा, हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा आएगा, या फिर इकोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा आएगा, या ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा आएगा. कई मायनों में ये एग्ज़ाम ये डिसाइड करता है कि आप कितने अवेयर हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी कंसिस्टेंट है. तो इस सारी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे आप ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है या हमारे हमारे प्रिपरेशन में क्या खामियां हैं. तो इसको डिसाइड करने के लिए देयर आर वेरियस टेस्ट सीरीज इन द मार्केट, बट इन माय ओपिनियन द वन टेस्ट सीरीज दैट गिव्स यू एन इंश्योरिटी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड मेक्स यू एनालाइज योर प्रिपरेशन इन बेटर वे, एंड दैट इज जी एस स्कोर टेस्ट सीरीज. अब जी एस स्कोर इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इसकी पॉपुलरिटी इतनी है कि जहां तक मेन्स एग्जाम की बात है तो जी एस स्कोर इज वन ऑफ द वाइडली एक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन दैट इज ऑफरिंग मेन्स प्रोग्राम एंड मेन्स आंसर राइटिंग. दिस इंस्टीट्यूट हैज गॉट इट्स एमिनेंस फॉर द मेन्स आंसर राइटिंग, और इसीलिए शायद ये फेमस भी है. लेकिन आज हम यहाँ पे मेन्स एग्जाम के बारे में ना बात करके इसकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे. इसकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में क्या क्या फीचर्स है, इसकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज क्यों अच्छी है बाकी टेस्ट सीरीज से, कितने प्रोग्राम्स कितने टेस्ट इसमें ये देती है, इसके अलावा ये कब से शुरू हो रही है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसके वेरियस बेनिफिट्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे. लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में बताऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके वीडियोस को शेयर करना ना भूलें. सबसे पहले जब हम इस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई 2021 से, और ऑब्वियसली ये टेस्ट सीरीज 2021 के लिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो यूपीएससी का अपडेट आया है उसमें एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और ये एग्जाम अब आपका होगा नवंबर में. ओके, सो दिस टेस्ट सीरीज इज कंप्राइजिंग ऑफ टोटल 37 टेस्ट. अब इस 37 टेस्ट में है क्या क्या, इसमें आपके 14 फंडामेंटल टेस्ट दिए जाते हैं. 14 फंडामेंटल टेस्ट में होगा क्या क्या, फंडामेंटल टेस्ट वो होते हैं जो आपके सेक्शनल टेस्ट्स होते हैं. सेक्शनल टेस्ट के अलावा देखिए सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग चीजें होती हैं, और इन बेसिक इंफॉर्मेशन में आपकी जो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और उन प्रायोरिटी के हिसाब से इन टेस्ट को डिसाइड किया जाता है. ठीक है, तो इन 14 फंडामेंटल टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, इन 14 फंडामेंटल टेस्ट में आपकी फंडामेंटल नॉलेज की टेस्टिंग की जाएगी. इन फंडामेंटल नॉलेज का मतलब ये है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया के वो बेसिक क्वेश्चन जो आपने एनसीईआरटी में कवर किए हैं. इसके अलावा आपको फिर मिलेंगे इसमें 8 रिवीजन टेस्ट वो होंगे. जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो ये रिवीजन टेस्ट ये इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने जो भी तैयारी की है उसका पूरा एक रिवीजन करवाया जाएगा. इन सेक्शन इन रिवीजन टेस्ट में ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी पोर्शन आपका छूटे ना. उसके बाद फिर जो है आपके 15 मॉक टेस्ट होंगे, और इन 15 मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपके जीएस और सीसैट के पेपर्स को कवर किया जाएगा. इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस टेस्ट सीरीज के जरिए आपके टोटल 3500 प्लस टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और इन 3500 प्लस टॉपिक्स के साथ एक स्मार्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा. स्मार्ट सॉल्यूशन में क्या होगा आपका कि स्मार्ट सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें आपको
आपकी खामियां बताई जाएंगी, आपके प्लस पॉइंट बताए जाएंगे। इसके अलावा वो सेक्शंस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा जहां पे आप कमजोर फील कर रहे हैं, या जहां पे आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में हमेशा किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी टेस्ट को सॉल्व करने के जनरली तीन तरीके होते हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं, वो तरीके आपको इस टेस्ट सीरीज में जरूर बताए जाएंगे। और अगर हम इसकी प्रोग्राम फीस की बात करें, तो इसकी प्रोग्राम फीस है टोटल आपकी 6500 प्लस जीएसटी, 6500 प्लस जीएसटी। हालांकि अगर हम इसी के साथ विजन टेस्ट सीरीज की बात करें, तो विजन टेस्ट सीरीज में इन टेस्ट की जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है वो 20 है, और इसकी फीस है 6000 रुपीज। तो इसके मुकाबले अगर हम इस टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली ये टेस्ट सीरीज ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपकी। और इस टेस्ट सीरीज में आपके इन टेस्ट के अलावा, स्मार्ट सॉल्यूशंस के अलावा, ये सारी आपकी, मतलब एक तरीके से ये कॉस्ट जस्टिफाई करती है। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, देन यू नीड टू कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ये आपका नंबर है 8448496262, या आप isscore.in विजिट भी कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा इसके ऑफिस में भी जाके आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हैं, या इंक्वायरी कर सकते हैं फोन नंबर्स पे। तो ये था इस टेस्ट सीरीज के बारे में, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसका शेड्यूल होगा, ये सारी जानकारी आपको इसके पीडीएफ में मिल जाएगी, जो आप इसकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक जस्ट हैव अ कर्सरी ग्लांस ऑफ दिस, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट हैव बीन कवर्ड इन दिस प्रॉस्पेक्टस। सो यू नीड टू डाउनलोड दिस प्रॉस्पेक्टस एंड टेस्ट शेड्यूल, जहां पे आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सा टेस्ट किस दिन होना है, किस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, और किस टेस्ट का क्या आउटकम होगा, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। ये सारी चीजें आपको जीएसएस स्कोर की वेबसाइट से या इनके नंबर से मिल जाएंगी। मैं फिर से आपको इसका नंबर बता देता हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस टेस्ट सीरीज में इनरोल भी करा सकते हैं। तो मैं से आपको फिर से ये नंबर बता देता हूँ, 8448496262, ठीक है। और इसकी वेबसाइट है www.isscore.in। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।